नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सीए राजेंद्र अरोड़ा है और आज हम इकट्ठा हुए हैं जीएसटी में 6 नई नोटिफिकेशंस जो डिपार्टमेंट ने आज 10 सितंबर को इशू किए हैं उनके बारे में बात करने के लिए। दोस्तों, ये नोटिफिकेशंस बात करती हैं एक्सटेंशन ऑफ डेट की। दोस्तों, डिपार्टमेंट ने एक प्रेस रिलीज भी इशू किया और उसमें कहा उन्होंने कि हमें पता है कि बहुत सारे जो डीलर हैं, रजिस्टर्ड पर्सन हैं, वो 3B तो फाइल कर रहे हैं लेकिन 1 फाइल नहीं कर रहे और उसमें मिसमैच है, डिफरेंस है। और मैं हमेशा से ये कहता आया कि जो 3B की फी है, जो पेनल्टी है, फाइन है, वो सिमिलर फी जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है 1 के लिए भी, लेकिन डिपार्टमेंट चार्ज नहीं कर रहा था तो हमें किसी को भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन वो प्रिस्क्राइब्ड है, लॉ में प्रिस्क्राइब्ड है और वो कभी भी डिपार्टमेंट कलेक्ट कर सकता था। अब उन्होंने एक वन टाइम स्कीम निकाली, वेवर स्कीम। उन्होंने कहा भी देखिए, हमें पता है कि बहुत सारे लोगों ने 1 जुलाई 2017 से आज तक का 1 फाइल नहीं किया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम आपको एक मौका दे रहे हैं कि जुलाई 2017 से सितंबर 2017 का जो 1 है, जीएसटीआर 1 है, मैं 3B की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, 1 जो है आप फाइल कर दीजिए, 31 अक्टूबर 2018 तक कोई फी नहीं आपसे ली जाएगी, कोई आपसे पेनल्टी फाइन नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब जैसे 11 सितंबर जो लास्ट डेट है अगस्त 2018 के जीएसटीआर 1 फाइल करने की, उसकी डेट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो गई 31 अक्टूबर 2018। तो जुलाई 17 से 30 सितंबर 2018 तक का जो भी जीएसटीआर 1 है, चाहे वो आप मंथली फाइल कर रहे हो, चाहे क्वार्टरली फाइल कर रहे हो, आपकी लास्ट डेट हो गई 31 अक्टूबर 2018। उसके बाद उन्होंने एक नई और नोटिफिकेशन निकाली। आपको याद होगा कि एक नोटिफिकेशन उन्होंने निकाली थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई जो ऐसे डीलर जो कि माइग्रेट नहीं हो पाए, पार्ट 1 फाइल किया, पार्ट 2 फाइल नहीं किया अपनी माइग्रेशन के टाइम पर और माइग्रेट नहीं हो पाए और उनका माइग्रेशन प्रोसेस पूरा नहीं हुआ, उनके लिए हमने एक नई स्कीम निकाली कि अब वो अपना माइग्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। अब उस समय उन्होंने कहा कि भाई जो भी माइग्रेशन पूरा प्रोसेस करके माइग्रेट होकर रजिस्टर्ड पर्सन बनेगा, उसको अपनी रिटर्न फाइल करनी है, 3B और 1 दोनों। जब काउंसिल की मीटिंग हुई, प्रेस रिलीज में उन्होंने कहा कि भाई जो 3B और 1 फाइल करोगे उसके ऊपर जो फी होगी आपको पे तो करनी होगी, लेकिन हम उसको वापस आपका रीक्रेडिट कर देंगे आपके कैश लेजर में एज टैक्स और आपको यूज कर लेना उसको जैसे मर्जी चाहो। लेकिन जब नोटिफिकेशन आई 31/2018, उसमें यह प्रोविजन ही मिस था, उसमें यह बात ही मिस थी। तो रिटर्न तो फाइल करनी थी, अब उसके ऊपर फी भी लगती है ऑटोमेटिकली, 3B पे तो ऑटोमेटिकली फीस लगती है। अब उन्होंने इस आज नोटिफिकेशन निकालकर इस बात को क्लैरिफाई कर दिया कि भाई वो जो माइग्रेट हो रहे हैं डीलर, नए डीलर अब आ रहे हैं, उन्होंने अपनी 3B और 1 फाइल करनी है, उन 3B 1 दोनों के लिए 3B की और 1 की उनकी जुलाई 2017 से नवंबर 2018 तक की 3B और 1 31 दिसंबर 2018 तक आप फाइल कर सकते हो और कोई फी और पेनल्टी आपके ऊपर फाइन नहीं लगेगा। ये तो सारी नोटिफिकेशंस की बातें थी। दोस्तों, उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात अपनी प्रेस रिलीज में क्लैरिफाई कर दिया और उन्होंने कहा कि भी देखिए, भूलिएगा मत सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या कहता है दोस्तों, कि आपका अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो कि फाइनेंशियल ईयर 2018 तक का है, उसको आपने सितंबर 2018 की रिटर्न में या एनुअल रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले क्लेम करना है। मतलब सितंबर 2018 की रिटर्न में आपने उसको प्रैक्टिकली क्लेम करना है और उसकी लास्ट डेट क्या है, 20 अक्टूबर 2018, क्योंकि 3B में क्लेम करना है। कोई इनपुट जो 31 मार्च 2018 तक छूट गया था या कोई क्रेडिट नोट इशू करना जिसकी वजह से आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम होती है वो छूट गया है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हो सितंबर 2018 के रिटर्न में। ये उन्होंने रीइंस्टेट किया है, रीएट्रिएट किया है इस प्रेस रिलीज में। नोटिफिकेशन कोई नहीं है इसके लिए, लेकिन उन्होंने सोसाइटी को, इकोनॉमी को, ट्रेडर्स को ये बात याद दिलाई है। दोस्तों ये है 6 नोटिफिकेशंस की समरी जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की, 10 सितंबर की नोटिफिकेशंस। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, इसे लाइक करते रहिए, कोई भी समस्या है मेरे साथ शेयर करते रहिए। मेरा नाम है सीए राजेंद्र अरोड़ा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।